Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टेरिटरी जम्मू व कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा की एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। जो कि किसी भी मौसम में अपने प्राकृतिक सौंदर्य से देश व विदेश के किसी भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को पछाड़ने की क्षमता रखती है। जम्मू से भद्रवाह की दूरी तकरीबन 190 किलोमीटर है और जम्मू से भद्रवाह पहुंचने के लिए आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे उधमपुर होते हुए नाशी टनल तक जाना पड़ेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। टनल क्रॉस करके किश्तवाड़ रोड पे चिनाब नदी के साथ साथ चलते हुए कुल डोडा से भद्रवाह का रास्ता अलग हो जाता है। यह पूरा रास्ता एकदम पक्का व साफ सुथरा है और आपको इस रास्ते पे प्रकृति का भरपूर सौंदर्य देखने को भी मिलेगा। बजट में बहुत सारे गेस्ट हाउस, होटल्स, रिसॉर्ट्स व होमस्टेज मौजूद हैं। भद्रवाह टाउन व उसके आसपास में ही बहुत सारी जगहें हैं घूमने व एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं गाथा लेक। गाथा लेक, जो कि यहाँ फिश पॉन्ड के नाम से भी जानी जाती है, भद्रवाह टाउन के बीचों बीच स्थित है। मजा आ रहा है। ये लेक आने वाले सैलानियों व लोकल पॉपुलेशन में भी पिकनिक व चिल करने के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर खाने पीने के लिए फास्ट फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट व रहने के लिए लेक व्यू रिजॉर्ट भी है। गर्मियों में यहाँ बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है वे आप यहाँ बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। भद्रवाह टाउन के बीचों बीच हम आपको ले चलते हैं एक और बहुत ही प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण जगह पे। ये है वासुकीनाथ जी का प्राचीन मंदिर। ये मंदिर भद्रवाह में मौजूद सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास 11वीं शताब्दी का है। वह इस पूरे हिमालयन क्षेत्र में वासुकीनाथ जी की बहुत ही मान्यता है। वह भद्रवाह में ही वासुकीनाथ जी के अलग अलग जगहों पे चार मंदिर हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं भद्रवाह के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल की तरफ। ये है भद्रवाह किला। एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ भद्रवाह किला पूरे भद्रवाह शहर का बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये किला काफी समय तक जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। पर 2007 में सरकार ने इसे वापस ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रिस्टोर करने का निर्णय लिया। भद्रवाह शहर के पूर्व में नीरू नदी के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर है जो गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ गंगा शिवलिंग पर गिरती है वह वहां से लुप्त हो जाती है। यहाँ पर एक गुफा भी है जो पौराणिक कथाओं के अनुसार
पांडवों द्वारा अपने अज्ञातवास के दौरान इस्तेमाल की गई थी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम भद्रवाह टाउन के बीचों बीच एक और बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की तरफ। ये है जामा मस्जिद। ये मस्जिद डिस्ट्रिक्ट डोडा की कुछ सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक शानदार प्राचीन मस्जिद निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण है। दूर दूर से लोग इसे देखने यहाँ आते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भद्रवाह के सुंगली में प्राचीन समय में भद्रकाशी विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से भी बड़ा था, मौजूद था। और आज ठीक उसी जगह पर जम्मू विश्वविद्यालय का भद्रवाह कैंपस मौजूद है। और ठीक इसी ऐतिहासिक जगह के सामने सुंगली में टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक रिजॉर्ट व बॉटनिकल गार्डन भी मौजूद है। इससे थोड़ा आगे जाते ही भद्रवाह टाउन की एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये है नारदी। सर्दियों में ये जगह आपको थोड़ी खाली व शांत लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये भद्रवाह की सबसे ज्यादा रौनक वाली जगहों में से एक है। और गर्मियों में यहाँ दिन भर बहुत चहल पहल रहती है। अगर इन सब जगहों को विजिट करने के बाद भी आपको लगे कि अभी समय बचा है, तो आप रुक कर सकते हैं तिलीगढ़ की तरफ। एकदम टॉप पे बना है। खैर, सर्दियों में आपको यहाँ रोज गार्डन में गुलाब के फूल देखने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको भद्रवाह का बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से देखने को मिलेगा। वह यहाँ भी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने तिलीगढ़ रिजॉर्ट बना रखा है। आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। दोस्तों, शाम हो चुकी है, दिन ढलने वाला है। आज हमने एक्सप्लोर किया लोकल भद्रवाह टाउन। अभी वक्त है वापिस अपने एकोमोडेशन की तरफ जाने का, जो कि हमारा फेवरेट प्लेस है, TRC सरना, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, टूरिज्म का रिसोर्ट है सरना में। तो हम वहीं वापिस जाएंगे। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे इससे भी ज्यादा खूबसूरत, अमेजिंग, ब्यूटीफुल जगहें जो भद्रवाह के पास हैं, लेकिन टाउन से थोड़ा सा दूर हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।